हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल अप इन बजट। और मैं हूं आपकी होस्ट अंदर कुलवीर कौर। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, फैमिली के साथ क्वारंटाइन होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूं। जैसे कि आप अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लेके आऊंगी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का रिव्यू। तो गाइस, आज जो है मैं आपके लिए दो प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं, और वो प्रोडक्ट है गाइस ये दोनों। तो गाइस, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क एंड विथ सेफ्रन टर्मरिक एंड एप्रिकॉट ऑयल, एंड ये स्किन को ब्राइटन करता है। ये पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड गाइस, ये मेरा 25 ग्राम का क्रीम है, ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मैंने स्मिटन के ट्रायल में मंगाया था। एंड गाइस, इसका प्राइस जो है 99 रुपीज है, एंड ये जो है इसकी 2 साल की शेल्फ लाइफ है। ये फेब 2020 में बना है एंड जनवरी 2022 तक चलेगा। एंड गाइस, अगर आपको मामा अर्थ के बारे में पता हो तो मामा अर्थ जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकिल करते हैं, एंड मामा अर्थ में कोई भी पैराबिन नहीं होता, कोई सिलिकॉन नहीं होता। तो गाइस, ये मामा अर्थ का जो ये प्रोडक्ट है ऑनलाइन, बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं कि आपकी स्किन एकदम चेंज कर देता है, स्किन एकदम ब्राइटन कर देता है, आपकी स्किन एकदम टाइट कर देता है। तो मुझे लगा था ये उपटन फेस मास्क मुझे यूज करना है, लेकिन जैसे ही मुझे स्मिटन में दिखाया मुझे लगा डेफिनेटली आई नीड टू परचेज दिस प्रोडक्ट। आप लोग के लिए रिव्यू करना चाहिए, अपनी स्किन पे यूज करना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको जरा पास से दिखा देती हूँ। ये है मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क, और ये 25 ग्राम की जो है एक ट्यूब है, एंड ये 99 रुपीज का है, एंड ये इसमें कोई SLS नहीं है, ये सिलिकॉन फ्री है, एंड मामा अर्थ जो है बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाता है। तो गाइस, मैं आपको ये ट्यूब सामने से अगर खोल के दिखा दूं तो गाइस, ये कुछ ऐसी 25 ग्राम की ट्यूब है, एंड इस पे वही सब लिखा है जो बाहर कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे लिखा था। तो गाइस, ये मेरी ट्यूब है मामा अर्थ की, एंड ये 99 रुपीज की है, एंड डेफिनेटली जो है आज मैं इसका रिव्यू आपके सामने करने वाली हूं। आप सामने से ही जो है देख लेंगे कि ये वर्थ करता है और इसको आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो गाइस, जो मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है वो है हिप पॉप का स्किन केयर क्लेंजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप। ये आपके नोज से क्या है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स निकालता है, ऑयल एंड डर्ट को निकालता है, पेनलेस एंड इंस्टेंट रिमूवल ये लिख रहा है। एंड गाइस, इसमें लिखा है पीछे इसको यूज कैसे करना है। इसमें लिखा है फर्स्ट वेट इट After cleansing your face, wet your nose and with warm water. And इसमें लिखा है कि अगर आप warm water से नहीं करेंगे, as strip won't stick on your dry skin. Dry skin पे ये जो stick नहीं करेगी, चिपकेगी नहीं, warm water से आपके nose को आपको गर्म करना, आई मीन टू से गीला करना पड़ेगा। And second जो इसमें लिखा है वो लिखा है peel it. पील द स्ट्रिप अवे फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट लाइनर, मतलब इस पे कोई ट्रांसपेरेंट कोई गम लगी होगी, ग्लू लगी होगी, मुझे उसे खोल के उसको निकाल देना है पीछे से। एंड थर्ड लिखा है पेस्ट इट, पुट इट ऑन योर नोज विद द ब्लैक साइड ऑफ स्ट्रिप डाउन। तो बेसिकली उसके बाद मुझे अपनी स्किन पे जो है इसको अपने नोज पे पेस्ट कर देना है। एंड लास्ट में लिखा है आफ्टर 10 मिनट्स वन द स्ट्रिप इज स्टिफ, स्लोली पील द स्ट्रिप ऑफ। एक बारी 10 मिनट के बाद आपकी स्ट्रिप आप देखिए थोड़ी जो सूख गई है, ड्राई हो गई है, तो आपको उसको पील ऑफ कर देना है। तो गाइज, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पीछे प्रोसेस लिखा है, एंड ये एक स्ट्रिप है जो चारकोल की बनी हुई है एंड पील करेगी आपकी स्किन से ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स को। तो गाइज, बेसिकली ये एक स्ट्रिप है, इसके बारे में ऑनलाइन बहुत मैंने सुना था बट आज तक यूज नहीं करा था। तो स्मिटन पे जब मुझे मिला तो मुझे लगा डेफिनेटली मुझे इसको लेना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए ये एक स्ट्रिप यूज करके दिखाऊंगी, और आपका ये मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क यूज करके दिखाऊंगी। सामने से आपको जो है इनका रिव्यू मिल जाएगा। तो गाइज, रिव्यू को देखिए एंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जो है मैं अपने फेस पे ये जो है नोज स्ट्रिप जो है हिप हॉप स्किन केयर की क्लिंजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप जो है अपने नोज पे यूज करूंगी, एंड सामने से आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगी। तो गाइस, ये ऐसी कुछ देखिए स्ट्रिप निकली है ब्लैक कलर की, एंड ये एक ब्लैक कलर की ऐसी स्ट्रिप निकली है, एंड ब्लैक कलर के साथ अगर आप देख पाए यहाँ पे एक ऐसा ये प्लास्टिक कवर लगा है, ये प्लास्टिक कवर है, एंड ये ब्लैक कलर की जो है इस पे स्ट्रिप है। तो गाइज, इन्होंने फर्स्ट लिखा है आपने नोज को वार्म वाटर से वेट करना है, तो पहले हम कर लेते हैं। तो गाइज, ये मेरे पास जो है वार्म वाटर है, इस कप में मैंने वार्म वाटर लिया है, इससे मैं अपने नोज को जो है वेट कर लेती हूँ। वार्म वाटर से जो है वेट कर लिया है ट्रांसपेरेंट लाइनर। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये है इसके यहाँ कॉर्नर पे एक ट्रांसपेरेंट लाइनर है, तो मैं इसको इससे अलग कर लेती हूँ।
गाइस ये देखिए ऐसे ही अलग हो रहा है, ये मैंने इसको अलग कर लिया एंड ये ट्रांसपेरेंट जो है अलग हो गया है एंड ये स्ट्रिप मेरी जो है अलग हो गई है। ब्लैक वाली साइड है, ये बोल रहे हैं यहां से अपने नोज को, अपने नोज पे इसको चिपकाओ। तो गाइस यहां से जो मैं अपने नोज पे इसको स्टिक कर लेती हूँ। जो ब्लैक वाली साइड है मैंने उसको अपने नोज पे स्टिक कर लिया है और उस पर जो है ग्लू लगी थी, मेरे जो नोज से अच्छे से वो स्टिक हो गई है। एंड गाइस ये बोल रहे हैं पुल इट आफ्टर 10 मिनट्स वन द स्ट्रिप स्टिफ स्लोली पील द स्ट्रिप ऑफ। तो गाइस 10 मिनट जो है मुझे वेट करना है और आफ्टर 10 मिनट्स मुझे इसको पुल करना है। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर 10 मिनट्स। गाइस मुझे 10 मिनट्स हो गए हैं, अब इसको पील करने की बारी है और लेट सी पील करके कैसे और क्या जो है हम लोग का इसके साथ एक एक्सपीरियंस होता है। तो करते हैं पील ऑफ को स्टार्ट। मैंने पील कर लिया है एंड पील करने के बाद मुझे व्हाइट हेड्स बहुत सारे दिख रहे हैं, अगर आप देख पाए तो देखिए, ये आप ध्यान से देखिए तो मेरे कितने व्हाइट हेड्स जो हैं, कितने ही व्हाइट हेड्स जो हैं उसमें दिख रहे हैं। एंड मुझे लगता है मेरे नोज से जो है व्हाइट हेड्स हैं वो हट गए हैं। एक्चुअली आप देख पाए तो इसमें व्हाइट हेड्स काफी दिख रहे हैं, नीचे की साइड यहाँ पे व्हाइट हेड्स। गाइस अगर मैं अपनी नोज अभी देखूं तो मुझे जो है अपनी नोज जो है वो काफी क्लीन लग रही है, काफी क्लीन। सो गाइस अब हम करते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट का रिव्यू जो है मामा अर्थ का ओपन फेस मास्क। तो गाइस अब मैं ये ट्यूब जो है वो ओपन कर रही हूँ। तो गाइस ये ट्यूब को अब हम यूज करेंगे एंड इन्होंने लिखा है डायरेक्शन टू यूज में, वॉश योर फेस विद अ सल्फेट फ्री फेस वॉश एंड उसके बाद लिखा है कि डैब योर फेस ड्राई एंड अप्लाई अ जेनरस लेयर ऑफ दिस फेस मास्क ऑन क्लीन फेस एंड नेक, कीप फॉर 15 मिनट्स एंड स्क्रब एंड वॉश ऑफ द लुक वॉर्म वाटर फॉर बेस्ट रिजल्ट ट्वाइस अ वीक। सो गाइज मैंने अपने फेस को पहले वॉश कर लिया है एंड अब ये बोल रहे हैं इसकी इवन लेयर जो है मुझे अपने फेस पे लगानी है, थोड़ा सा फेस को गीला करके उसको डैब डैब करके 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे मुझे लगाना है। और बोल रहे हैं कि उसके बाद जब ये 15 मिनट्स हो जाएंगे तो थोड़ा सा स्क्रब करके अपने फेस को लुक वार्म वाटर से गर्म पानी से धो देना है एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये वीक में ट्वाइस यूज करना है, वीक में दो बार यूज करना है। तो गाइज इसको हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। मैं हल्का सा अपना फेस जो है वेट कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये मेरा टोनर है होममेड रोज वाटर, इससे अपने फेस को जो है मैंने हल्का का जो है वेट कर लिया है। तो अब मैं इसको ओपन करती हूँ। तो गाइस मैंने इसको ओपन कर लिया है तो इसका अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। गाइस अगर मैं आपको इसकी फ्रेग्रेंस बताऊं, एकदम चंदन की तरह इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, जैसे कि चंदन अपने फेस पे आप जो है वेट करके लगा रहे हैं, एकदम चंदन वाली फ्रेग्रेंस आ रही है। और मुझे तो ये लग भी रहा है कि चंदन में मैं अपना रोज वाटर डाल के अपने फेस पे लगा रही हूँ, मुझे फील भी ऐसा आ रहा है, बहुत स्मूथ जो है ये पेस्ट है एंड इवनली जो है मेरे फेस पे ये स्प्रेड हो रहा है। मतलब ये सजेस्ट करूंगी कि ये वाला जो पैक है फिंगर्स की हेल्प से लगाइए क्योंकि थोड़ा सा मुझे जो है ठीक
कंसिस्टेंसी लग रही है। आप ब्रश से लगाएंगे फाइटिंग आपके थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको स्प्रेड करना इवनली अपने फेस में, क्योंकि ये एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि पतला एकदम थिन इसकी कंसिस्टेंसी है, थोड़ा इसकी थिक कंसिस्टेंसी है। तो आप अगर बिना वाटर टाइल्स में लगा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इसको अपने फिंगर से लगाना चाहिए एंड फिंगर से डेफिनेटली ईजी जो है आपके फेस में स्प्रेड हो जाएगा। तो गाइस ये मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया है एंड अब पूरे फेस पे लगाने के बाद हमें वेट करना है। गाइस ये वेट करने के लिए कितना बोलते हैं 10 और 15 मिनट्स, मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा, मैं भूल गई हूँ। तो गाइस यहाँ पे पैक पे लिखा है वी नीड टू वेट फॉर 15 मिनट्स। तो गाइस 15 मिनट्स के बाद मुझे इसको हल्का सा स्क्रबिंग करना है और फेस को वॉश करना है। तो गाइस 15 मिनट जो है वेट करते हैं और आफ्टर 15 मिनट्स मैं आपको मिलती हूँ, इसका रिजल्ट सामने से दिखाती हूँ। सो गाइस मुझे हो गए हैं 15 मिनट्स और अब मैं अपने फेस को हल्का सा वेट करके इसको स्क्रब करना स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। एंड ये पैक देखिए एकदम सूख गया है, एकदम ड्राई हो गया है। जैसे आप अपने फेस पे कोई भी नेचुरल होममेड पैक्स भी लगाते हैं, उबटन घर पे बना के लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे वो सूख जाता है। तो ये भी ड्राई हो गया है तो अब मैं इसको हल्का सा वेट करके अपने फेस पे स्क्रबिंग करती हूँ। वॉश कर लिया है तो आप सामने से आप इसका रिजल्ट देखिए। गाइस माय स्किन फील्स सो सॉफ्ट, एकदम स्किन जो है मुझे एकदम बेबी सॉफ्ट जैसी होती है, बेबी सॉफ्ट लग रही है। एंड अगर मैं अपनी स्किन में आपको डिफरेंस बताऊं तो हाँ जी मुझे डिफरेंस लग रहा है, एकदम ऐसा वाला फील आ रहा है जैसे घर पे भी मैं अगर चंदन का पैक बनाऊंगी एंड चंदन के पैक में एक दो अच्छे अच्छे एसेंशियल ऑयल अगर मैं मिक्स कर दूंगी एंड अपने फेस पे लगाऊंगी तो एक मतलब डिफरेंस ही, एक ब्राइटनेस और एक फेस क्लीन जो है वो हो जाएगा। तो घर जैसा ही बिल्कुल उपटन मुझे ये फेस पैक लग रहा है। तो अगर तो आप घर पे उपटन बना के अपने फेस पे लगा सकते हैं तो आप लगाएंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप घर में उपटन बना के नहीं लगाना चाहते, आप ऑफिस गोइंग है और आपको जल्दी जल्दी कोई फेस पैक लगाना है तो डेफिनेटली आप यूज कीजिए। लेकिन गाइस इससे मेरे फेस में शाइन डेफिनेटली आई है, आप यहाँ पे मेरा नोज देख लीजिए एंड नोज के बाद ये आप देख लीजिए मेरे चीक्स, एक डिफरेंट सी मेरे फेस में जो है शाइन आ गई है। तो इसने मेरे फेस पे स्क्रब का भी काम किया है, फेस पैक का भी काम किया है एंड मेरा फेस मुझे बहुत ज्यादा क्लीन क्लियर और ब्राइटनेस फील हो रही है मुझे। अब ये सामने से देख लीजिए और सॉफ्ट तो है, तो आपको जो है रिव्यू मैंने सामने से दे दिया है। तो अब ये जो है मेरा फेस लग रहा है, तो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको ये फेस पैक जो है वो खरीदना है कि नहीं खरीदना है। एंड वो चारकोल स्ट्रिप तो थम्स अप है, वो तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी है और ये फेस पैक भी अच्छा उपटन वाला आपको रिजल्ट देता है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है चंदन की, तो मुझे ये फेस पैक अच्छा लगा है। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू सामने से, बाय बाय गाइज। सो गाइज आपने देखा मेरा रिव्यू जिसमें मैंने आपको दोनों प्रोडक्ट जो कि सोशल साइट्स पे बहुत धूम मचा रहे हैं दोनों का मैंने आपको रिव्यू दिखा दिया है। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दीजिए ताकि मैं जो है मोटिवेट होती रहूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेके आती रहूं। किस चीज का आपको रिव्यू चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उस चीज को खरीद के आपको रिव्यू दूंगी एंड आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आऊंगी। तो गाइज प्लीज प्रिकॉशंस लीजिए,
लीजिए, घर पे सेफ रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए एंड ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम्स है जल्दी से जल्दी कोविड खत्म हो जाए और दुनिया जो है बैक टू नॉर्मल आ जाए। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं मेरी वीडियोज। तो डेफिनेटली गाइज मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक रहिए सेफ एंड क्वारंटाइन। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।